आप सभी लोगों का हेल्दी वेल्दी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई दफ़ा हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हर्बल लाइफ में जो वेट लॉस के लिए फॉर्मूला वन, प्रोटीन, अफ्रेश और शेक मेट, ये जो पूरा कॉम्बो किट होता है, ये हम परचेज नहीं कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, क्योंकि शायद उनका बजट कम होता है या वो फाइनेंशियली किसी इशू से सफ़र कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या कुछ ऐसा है कि हम कम खर्चे में, बहुत कम खर्चे में, थोड़ा बहुत ठीक ठीक अगर दो तीन प्रोडक्ट्स लेकर भी क्या हम वेट लॉस कर सकते हैं। सो आपकी इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको एक ऐसी बजट फ्रेंडली किट, बहुत ही बजट फ्रेंडली किट, मतलब ये सबसे हर्बल लाइफ के कम रुपीज़ वाली जो है ये किट होगी, इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट आप 3-4, 4.5 kg तक वेट लॉस कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई एम श्योर कि अगर आप इस किट को फॉलो करेंगे, बहुत ही कम खर्चे वाली, तो इसमें भी आप ठीक ठीक, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल शेक की तरह इफेक्टिव रहेगा, लेकिन हाँ फिर भी अगर आप ठीक ठीक, हम जिस तरीके से आपको डाइट प्लान और सारी चीज़ें बताएंगे, अगर आप उस हिसाब से करते हैं तो आप बहुत अच्छा वेट लॉस किट करेंगे, वेट लॉस कर पाएंगे। सो इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, कौन से वो दो तीन न्यूट्रिशन है जो आपको लेने की जरूरत है। दूसरा, आपका डाइट प्लान और रूटीन क्या रहेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सरसाइज क्या करनी है, वो भी हम आपको बताएंगे। एंड लास्ट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करें। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए। सो दोस्तों, यहाँ पर हमारी किट है और इस किट में जो है आपको टोटल मिला के 3 प्रोडक्ट्स आते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर हमें ज़रूरत होती है एक अफ्रेश की, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास अफ्रेश हम यहाँ पे क्यों ऐड करें, बिकॉज ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करेगा, तो ये दो बार आपको लेना है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारे पास अफ्रेश, आप अपनी पसंद का फ्लेवर ले सकते हैं। अभी हमारे पास जिंजर है, आप लेमन भी ले सकते हैं, आप कश्मीरी कावा, सिनेमन, कोई भी ले सकते हैं। दूसरे जिस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी वो है हमारे पास यहाँ पर सेल्यूलॉस। देखिए, अगर आप इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2 महीने फॉलोअप करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मंथ में अफ्रेश तो कंपलसरी रहेगा, सेकंड मंथ में हमारा सेल्यूलॉस की जगह कुछ और चेंज हो जाएगा, उसका भी प्लान हम आपको बताएंगे। तो पहला प्रोडक्ट है अफ्रेश, दूसरे प्रोडक्ट की आपको जरूरत पड़ेगी सेल्यूलॉस। ये हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर वेट है या जो वाटर रिटेंशन है या जो ब्लोटिंग जैसी कुछ प्रॉब्लम होती है, या इंच लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और तीसरी जो चीज है वो है ये हंगर बार। तो ये हंगर बार के 10 जो है पीसेज आपको आएंगे इसमें हंगर बार के। तो ये हंगर बार हमने क्यों ऐड किया, बिकॉज प्रोटीन को फुलफिल करना, प्रोटीन की नीड को फुलफिल करना वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 10 पीस ऑफ हंगर बार एंड ये सेल्यूलॉस एंड ये अफ्रेश, इस तरीके से आपको ये 3 प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत पड़ेगी। आई एम श्योर कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपका डाइट प्लान और आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। हमने इस रूटीन को बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश की, हाँ थोड़े से फूड्स में अपग्रेड किया, लेकिन वो फूड इजीली आपके घर पर अवेलेबल हो जाएंगे, आपके आसपास की शॉप में मिल जाएंगे। आई एम श्योर कि आप इसे बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुझे जहाँ तक अंदाजा लगता है कि सुबह उठने से हम शुरुआत करते हैं। सुबह 6 से 7 बजे के बीच में ऑलमोस्ट सभी लोग उठ जाते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि 6:30 बजे के आसपास आप सभी लोग उठ गए होंगे। उठने के बाद सबसे पहले आपको कम से कम 2-3 ग्लास पानी जरूर पीना है। आधा लीटर पानी अगर पी सकते हो तो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात। इसके बाद आपको 1 ग्लास अफ्रेश पीना है। अफ्रेश कैसे बनता है, इसके अंदर एक छोटा सा स्कूप आता है, आपको 1 ग्लास लेना, उसमें 1 चम्मच अफ्रेश यानी कि इसका स्कूप डालना, एंड फिर उसमें 200 से 300 ml गर्म पानी ऐड करना है, उसको स्टिर किया थोड़ा सा, एंड दैट्स इट, आपका अफ्रेश तैयार हो गया। मतलब इसे बनाना बहुत ही आसान है। अफ्रेश पी लिया, उसके बाद अफ्रेश हो जाइए, नहा धो लीजिए। मान के चलता हूँ कि लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच में आप सभी लोग फ्रेश हो गए होंगे। 8 से 8:30 बजे के बीच में आप सभी लोगों को कम आधे घंटे का वर्कआउट जरूर करना है। अगर आप जल्दी उठते हैं तो हो सकता है आप जल्दी वर्कआउट कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेट हो गए तो इस टाइम से पहले आप जरूर अपना वर्कआउट कर लेना, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 मिनट का, 30 से 35 मिनट का भी वर्कआउट कर लिया तो बहुत है, मोर देन इनफ। इसके बाद आपको 9 बजे के आसपास अपना ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर 6 बहुत ही अच्छे हेल्दी ऑप्शंस लेकर आया हूँ, जो कि प्रोटीन रिच है, हेल्दी कार्ब्स रिच है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रिच है, तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा ओट्स पुडिंग। ओट्स पुडिंग का मतलब क्या है कि आपके पास ओट्स रहेंगे जिसको आप थोड़ा सा भिगा के रख सकते हो, दूध में आप उसको बना सकते हो, एंड उसमें रात को भिगाई हुई किशमिश भी आप डाल सकते हो। तो इससे आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 7 to 10 grams प्रोटीन मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाएंगे, एंड टेस्ट के लिए हम इसमें ऊपर से रेजन्स ऐड करें। तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा ओट्स पुडिंग। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2 मल्टीग्रेन ब्रेड होने चाहिए, उसमें आप 2-3 slices एप्पल के डाल सकते हो, एंड उसमें आप 1 चम्मच पीनट बटर डाल दो। एप्पल को आप रिप्लेस भी कर सकते हो बनाना के साथ, एंड उसको प्रॉपरली आप बन बनाकर खा सकते हो। ये हो गया हमारा दूसरा ऑप्शन, बहुत ही रिच है, पेट भी भर जाएगा, इसमें आपको हेल्दी फैट्स भी मिल रहे हैं, प्रोटीन भी मिल रहा है, और ठीक ठीक कार्ब्स भी मिल रहे हैं, तो ये ऑप्शन बहुत पसंद आएगा। तीसरा ऑप्शन आप किनवा बना के ले सकते हो, आप उसमें ब्लूबेरीज ऐड कर सकते हो टेस्ट बढ़ाने के लिए। चौथा ऑप्शन, आप चाहो तो अगर आपको कुछ खाने का मन नहीं है, कम खाना है, तो आप पपाया ले सकते हो। पांचवा ऑप्शन हो गया हमारे पास दलिया और घी। प्लेन दलिया आप बना सकते हो, घी में बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, आप चाहो तो उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर सकते हो। एंड छठवा ऑप्शन, अगर आपको लग रहा है कि बहुत तेज भूख लगी है या थोड़ा सा सॉल्टी खाने का मन हो रहा है, तो आप पोहा भी खा सकते हो। तो ये 5 से 6 ऑप्शन जो है ये आपको ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद
आपको एक टैबलेट सेल्यूलॉस की लेनी है। सुबह आपने क्या लिया था? अफ्रेश लिया था। फिर 2 घंटे बाद जब आप अपना ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट करने के बाद एक टैबलेट आपको सेल्यूलॉस की लेनी है, भूलना नहीं। 5-10 मिनट बाद भी ले सकते हो तो कोई दिक्कत। तो मॉर्निंग तो सॉर्ट आउट हो गया। इसके बाद लगभग 12 बजे के आसपास या 1 बजे के आसपास जब भी आपका लंच टाइम हो, तो अब हम बात करते हैं आपके लंच के। लंच में बहुत ही सिंपल है, आप कोई भी सैलेड ले सकते हो। आप चाहो तो क्यूक्यूम्बर ले सकते हो, आप चाहो तो टोमेटो ले सकते हो, आप चाहो तो बीटरूट ले सकते हो, या फिर इनको सबको मिक्स करके भी आप ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो स्प्राउट्स भी ले सकते हो। तो कभी स्प्राउट्स कभी सैलेड, इस तरीके से आपको लेना है, स्टार्ट करना है, पहला हो गया। फिर इसके बाद आप कोई भी दाल ले सकते हो। मैं यहाँ पर दाल रिकमेंड करूँगा कि आप मूंग की दाल ले सकते हो या फिर तुअर की दाल ले सकते हो, साथ में घर में बनी हुई कोई भी सब्जी। अभी जो सीजन चल रहा है, गर्मियाँ खत्म होने वाली है, बारिश आने वाली है, तो इस सीजन में इतनी ज़्यादा सब्जियाँ अवेलेबल नहीं होती, बट फिर भी मैं कहूँगा आप चने की सब्जी ले सकते हो। चिकपीज जो होते हैं, काबुली चने, वो आप ले सकते हो। स्पिनच हो गया, वो ले सकते हो। बीन्स हो गया, यू नो, या बैगन हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि जो करेला हो गया, इन सब में जो भी सब्जी अवेलेबल हो आपके घर में, वो आप ले सकते हो। और साथ ही साथ आप एक बाउल जो है राइस ले सकते हो, या फिर कभी कभार आप राइस की जगह पे चपाती भी ले सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका एक प्रॉपर लंच होगा। सबसे पहले सैलेड, या फिर आपने स्प्राउट्स लिया, फिर आपने दाल ली, कोई भी सब्जी जो आपके घर पे बनी है, एंड चावल या फिर सब्जी या फिर रोटी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक प्रॉपर लंच होना चाहिए। आई एम श्योर कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। रही बात दही की, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि और सीजन में दही चल जाएगी, बट अभी रेनी सीजन आने वाला है, तो रेनी सीजन में आप दही को अवॉइड करना, या दूध वाली जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अवॉइड करना। और सीजन में आप थोड़ी बहुत दही या फिर छाछ भी ले सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका लंच होना चाहिए। एंड लंच के बाद आपको फिर से एक टैबलेट और सेल्यूलॉस के लेनी, मतलब हम लोग तीनों टाइम सेल्यूलॉस टैबलेट लेने वाले हैं, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद भी, लंच के बाद भी, और रात को डिनर में भी। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को आपका जो लंच है वो क्लियर हो गया। लंच होने के बाद मैं मानता हूं कि लगभग 1-1.5 बजे तक 2 बजे तक सभी लोगों का लंच हो गया होगा। देखिए, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपसे हो सके तो लंच जितना जल्दी हो सके, लाइक 1-2 बजे या इसके पहले ही कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा आपका लेट लंच होगा, फिर आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ते जाएगा। हालांकि हम सबका अपना एक शेड्यूल होता है, कुछ लोग लेट उठते हैं अपने बिजनेस की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, किसी का जॉब ही लेट तक चलता है, तो वो बात हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट अगर आपसे पॉसिबल हो तो अपना लंच जितना जल्दी हो सके ज़रूर करें। लंच करने के बाद लगभग 2-3 बजे आप जितना हो सके बॉडी को हाइड्रेट करते रहिए, पानी पीते रहिए। कहने का मतलब ये है कि थ्रू आउट द डे कम से कम हमें 3-4 लीटर के बीच में पानी पीना, तो पानी पीते रहिए। फिर उसके बाद 3 बजे आपको फिर से अफ्रेश लेना है। जैसा अफ्रेश आपने सुबह बनाया था, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा अफ्रेश आप ले सकते हैं। अभी गर्मी का सीज़न है तो आप नॉर्मल पानी में भी अफ्रेश ले सकते हैं, और अदर सीज़न में आप नॉर्मल पानी में, गर्म पानी में भी जो है आप अफ्रेश ले सकते हैं। इसके बाद लगभग 4-5 बजे जब भी आपको भूख लगे, तो हम हल्का सा यहाँ पर स्नैक्स लेंगे। स्नैक्स में हमारे पास ये हंगर बार है। हमने ये हंगर बार इस प्लान में इसलिए ऐड किए हैं बिकॉज प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस डाइट में अगर आप देखें तो अफ्रेश और सेल्यूलॉस हमारी प्रोटीन की नीड को फुलफिल नहीं कर सकते। जैसा कि और क्या होता है, पहले लोग शेक लेते थे, लेकिन क्योंकि अगर हमारा बजट नहीं है तो हमें प्रोटीन का अल्टरनेट सोर्स ढूंढना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर हंगर बार को ऐड किया हुआ है। ये हंगर बार में कम से कम आपको 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो हमने डाइट बनाई है उसमें आपको 30-40 ग्राम प्रोटीन मिल जाए, बट इन केस इसी के साथ ही साथ ये जो हमारा हंगर बार है, ये हमारी प्रोटीन की नीड को फुलफिल करेगा। तो शाम को स्नैक्स में हम डेली बेसिस पे तो नहीं, बट कम से कम हफ्ते में 2-3 बार हंगर बार ज़रूर लें। ये हमारी डेली की नीड का कम से कम 20-25% जो प्रोटीन की नीड है उसे फुलफिल करने की कोशिश करेगा। तो हम हंगर बार लेंगे इसी के साथ ही साथ, मतलब एवरी अल्टरनेट डे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार आपको लेना है हंगर बार। और बाकी के जो बचे 3-4 दिन, उसमें मैं आपको 3-4 ऑप्शंस बता रहा हूँ, आप वो ले सकते हैं। जैसे कि एक दिन आप पॉपकॉर्न ले सकते हैं और उसके साथ थोड़ा सा योगर्ट ले सकते हैं। योग हमारा पहला स्नैक्स का ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अगर आपको बहुत भूख लगी तो आप मूंग दाल का छिला ले सकते हो, या फिर आप इडली या फिर डोसा भी ले सकते हो। ये हो गया हमारा दूसरा ऑप्शन, कोई भी ले सकते हो। कभी आपने इडली ले ली, कभी आपने डोसा ले लिया, चलेगा। तीसरा ऑप्शन, आप चाहो तो पपाया ले सकते हो। चौथा ऑप्शन, अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कॉफ़ी पीने का मन होता है, तो मैं कॉफ़ी तो रिकमेंड नहीं करूँगा, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप जो ब्लैक कॉफ़ी होती है वो आप ले सकते हो, या जो दालगोना कॉफ़ी होती है वो भी आप ले सकते हो, और साथ में 2-3 रागी के बिस्किट्स भी ले सकते हो। तो समझ में आ गया, हफ्ते के 2-3 दिन हम लोग हंगर बार लेंगे, एंड बाकी दिन ये जो 4-5 ऑप्शंस मैंने आपको बताया, जैसे कि दालगोना कॉफ़ी हो गया, साथ में रागी बिस्किट्स हो गए, पॉपकॉर्न हो गया, पपाया हो गया, तो ये आपका शाम का स्नैक्स रहेगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप यही ऑप्शंस लो, अगर ज़रूरत पड़े तो कभी कभार आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो। अगर आपके लोकल एरिया में कोई अच्छा स्नैक्स का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप हफ्ते में 1-2 बार वो भी ऐड कर सकते हो, बट उसको थोड़ा सा कॉन्शियसली चूज़ कीजिएगा कि उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका शाम का स्नैक्स रहेगा। ट्रस्ट मी, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो सफिशिएंट मात्रा में हमें प्रोटीन भी मिल जाएगा, एंड ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। एक ऑप्शन मैं यहाँ पर बताना भूल गया, आप चाहें तो मखाना चाट भी ले सकते हैं, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं शाम के स्नैक्स। अब हम बात करते हैं रात के डिनर की।
रात का जो आपका डिनर है ये कम से कम 7-8 बजे हो जाना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा ही लेट हो रहा है इनकेस तो 9 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुबह 6 बजे शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप शाम को क्या क्या अपने डिनर में ले सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। सबसे पहला है वेज रोल। वेज रोल का मतलब है कि आपके पास चपाती होगी, 2 चपाती आप ले सकते हैं, उसमें जो आपने मिक्स वेजिटेबल बनाया वो आप उसमें डालकर अच्छे से ले सकते हैं, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा वेज रोल। दूसरा ऑप्शन है आप चाहें तो सादी सिंपल प्लेन खिचड़ी बना सकते हैं, उसको अच्छे से थोड़ा सा उसमें सब्जी डाल के थोड़े से कैरेट्स डाल के आप बना सकते हो। तीसरा ऑप्शन आप चाहो तो दाल राइस ले सकते हो। राइस में मैं कहूँगा कि वाइट राइस ठीक है, अच्छी बात है, बट वाइट राइस के बजाय अगर आप ब्राउन राइस ले सकते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। एंड चौथा ऑप्शन मिक्स वेजिटेबल का जो सैलेड होता है या बाउल होता है या सूप होता है वो भी आप ले सकते हो। एंड पाँचवा ऑप्शन आप चाहो तो मिक्स दलिया भी ले सकते हो या फिर आप चाहो तो मिक्स उपमा भी ले सकते हो। तो ये 5 ऑप्शंस हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है आप रात को डिनर में बना सकते हो। एक चीज़ बहुत ही ध्यान रखिएगा, अच्छा हाँ एक और चीज़, अगर आपका डिनर हो जाए तो डिनर के बाद अपनी सेल्यूलॉस टैबलेट बिल्कुल लेना ना भूलें। अब हम बात करते हैं डाइट प्लान, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि डाइट प्लान तभी काम करेगा जब आप अपना शेड्यूल प्रॉपरली लिख के रखोगे। मैंने आपको सारे ऑप्शंस तो बता दिया, अब आपको देखना है कि आपके ऑप्शंस के मुताबिक आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है एंड उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाओ कि मेरा मंडे का क्या शेड्यूल रहेगा, मैं शाम को क्या खाने वाला हूँ, दोपहर को क्या खाने वाला हूँ, सुबह मेरे ब्रेकफास्ट में क्या रहेगा, जो ऑप्शंस बताए गए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ज़्यादा बेटर है वो मैं ले सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, तब जाके ये आपको बहुत अच्छे से सक्सेस मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो आपका डाइट प्लान है वो ऑलमोस्ट सिंपल रखा गया है, सिर्फ आपकी थोड़ी बहुत हैबिट्स को चेंज किया गया और थोड़े से फूड को चेंज किया गया, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ फ्रिज 2 बार लेना है, सेल्यूलॉस टैबलेट 2 बार लेना है एंड आपके खाने को बहुत ही सिंपल रखा गया। अब हम बात करते हैं आपके वर्कआउट की, वर्कआउट में आपको क्या करना है। दिन भर में आपको 2 बार वर्कआउट करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा और बहुत हैवी वर्कआउट नहीं करना है कि 2-2.5 घंटे वर्कआउट करें, सिंपल 1 घंटा भी आपको वर्कआउट नहीं करना है। कितनी देर करना है, सिर्फ 50 मिनट। कितनी देर, सिर्फ 50 मिनट। सुबह 30 मिनट्स का वर्कआउट 8 बजे से 9 बजे के बीच में, या फिर आपका जल्दी होता है तो बहुत अच्छी बात है। एंड वर्कआउट के लिए हम आपको एक हेल्दी वेल्दी का एप्लीकेशन देंगे, वहाँ पे आपका फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ का स्टेप बाय स्टेप वर्कआउट आपको मिल जाएगा। वो वर्कआउट आपको देखते हुए बस फॉलो करना है, बहुत हैवी भी एक्सरसाइज नहीं है और बहुत सिंपल भी नहीं है, बहुत ही इफेक्टिव है, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो सुबह मॉर्निंग में आपको वर्कआउट करना है 30 मिनट्स का, एंड शाम को जब आपको टाइम मिले, अगर टाइम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, कम से कम आपको 15 से 20 मिनट ब्रिस्क वॉक करना है। ब्रिस्क वॉक का मतलब है फास्ट वॉक करना, दैट्स इट, सिंपल। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एंड एप्लीकेशन आप चाहें तो हेल्दी वेल्दी का डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारा वर्कआउट है, एप्स क्या करना है वो भी है वहाँ पे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या करनी है, कौन सा योगा करना है, सब कुछ वहाँ पर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको वर्कआउट मिल जाएगा। लेकिन वर्कआउट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताना चाहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही कमाल के साबित हो सके। सबसे पहला, अगर इस प्लान से आपको सक्सेस चाहिए तो कम से कम इस प्लान को आँख मूंद करके 2 महीने तक ज़रूर फॉलो करना। मैं इतना कह सकता हूँ कि आप 4, 5, 6, 7, 8 kgs तक इजीली वेट लॉस कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा भी हो सकता है अगर आपका डेडिकेशन अच्छा रहा, अगर आपकी डाइट क्लीन रही, तो आपने चीटिंग कम से कम किया था। तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसका ध्यान रखना है। दूसरा, सेकेंड मंथ में भी आपका प्लान ऑलमोस्ट बिल्कुल यही का यही रहेगा, बट उसमें सेल्यूलॉस की जगह पे आपको हर्बल कंट्रोल लेना रहेगा। क्या रहेगा, ये सेल्यूलॉस है, इसकी जगह पे हर्बल कंट्रोल, सेम ऐसी ही डिब्बी होती है बट वो हर्बल कंट्रोल की होती है, वो आप ले सकते हैं, वो थोड़ी महंगी होती है, अगर आप ले सको तो ज़रूर लेना, नहीं ले सको तो कोई बात नहीं। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वर्कआउट करना बिल्कुल कंपलसरी, मतलब आप छोड़ नहीं सकते, सुबह का वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा, शाम को अगर टाइम नहीं मिला तो रात का खाना खाने के बाद 10-15 मिनट वॉक कर लेना, बट वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा। चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो हर्बललाइफ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील, यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं होते हैं। यहाँ पर जो अवेलेबल होते हैं वो फेक या डुप्लीकेट होने के चांसेस हैं, बाकी चॉइस आपकी, मेरा काम है आप लोगों को बताना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको बेचना है, आपका लालच है इसलिए आप ऐसा कहते हो, ठीक है आपकी मर्जी, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ से लेना है तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बट अगर वो फेक हुआ, डुप्लीकेट हुआ, तो आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर्बल लाइफ के हर एक प्रोडक्ट में ये चीज़ मेंशन होती है। यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके कोचेस के थ्रू ही अवेलेबल होता है एंड किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है, तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हर्बल लाइफ की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसकी तरफ से मैं कह रहा हूँ, बाकी चॉइस आप लोगों की है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, प्लान को सिंपल रखने की कोशिश की है, बजट फ्रेंडली रखने की कोशिश की है एंड कोशिश ये भी की है कि आपका बहुत अच्छा वेट लॉस इसमें हो जाए, लेकिन एग्जीक्यूशन आपके हाथ में डिपेंड करता है, तो अपना बेस्ट दे दीजिएगा, चीटिंग बिल्कुल मत करिएगा, कम से कम शुरुआत के 1 महीना तो बिल्कुल चीटिंग नहीं करना है। फिर रिजल्ट्स अगर आपको आना शुरू हो गए, आपको थोड़े से बेसिक्स समझ में आ गए, तो फिर बड़े आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ,
और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये अपने किसी कोच से ही खरीदें। अगर कोई कोच नहीं हो जिन्हें आप नहीं जानते हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं दिल से आपके स्वास्थ्य की, अच्छी बॉडी की, फिट बॉडी की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड बाय। टेक केयर।